मजनू इन सब की लव स्टोरी तो सबने देखी है, लेकिन वैम्पायर्स और वेयरवॉल्व्स की लव स्टोरी आपने कहीं नहीं देखी होगी। फिलहाल मेरे पीछे भी एक वेयरवॉल्फ और वैम्पायर है, कौन है आप जरा बताएंगे, अपना इंट्रो देंगे? हम हैं विद्युत, फना के विद्युत, और हम इस शो में प्ले कर रहे हैं वेयरवॉल्फ। जी हाँ, ये आपके सामने खड़े हैं। सत श्रीकाल कॉपीटवाल, मेरा नाम करण कुंद्रा है और मैं विवान प्ले कर रहा हूँ, और मैं एक वैम्पायर, मैं घूम पीता हूँ। और ये आप दोनों के बीच में ये आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड श्रद्धांजलि, ये हमारी श्रद्धांजलि है, ये वो हार है जो हमारे मरने के बाद हमारे सिर पे चली। हाँ तो मर चुका हूँ मैं क्यों श्रद्धांजलि हूँ? तू मेरी श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि। आप बताइए आप कौन? जी मैं ईरा हूँ। इसके लिए ऊपर से निकलना थोड़ा आसान है। सब निकल गया। मैं ईरा हूँ और मैं हर एरा में दिखूंगी, और मेरी एज आई थिंक इन सब से बहुत बड़ी है। मेरे स्किन से वैसे पता नहीं चलता, मेरी त्वचा से, मेरे उम्र का पता, मेरे मेकअप से मेरा पता नहीं चलता हूँ क्या। अच्छा, आपकी आपकी उम्र का राज कहीं आपकी चोटी में तो नहीं? काफी अलग सी चोटी है आपकी। क्यों आपको क्या लगता है, चुड़ैल है, चोटी काटेगी तो इसकी उम्र कम हो जाएगी? हैं, हमने भी देखी एक थी डायन, प्लीज। ओ माय गॉड, क्या चुड़ैल थी उसमें। एक्चुअली चुड़ैल, पावरफुल वुमन, वैम्पायर, सबका कॉम्बिनेशन हूं मैं। ओके, सबका कॉम्बिनेशन। यस, सबसे ज्यादा पावर्स है वो रतन ही है, ईरा। उसकी शॉर्ट्स भी सबसे शॉर्ट्स है, शॉर्ट है। अरे ही मींस टू से, अरे जो उसके शॉर्ट्स लेंगे हम, वो छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे। अरे नाक पसंद है? हाँ, मैं तोड़ दूँ। अरे नाक नहीं, दांत तोड़ना था, नए बनके आ भी जाएंगे ना। अच्छा, तो लव स्टोरी क्या होगी है? मतलब इम्पॉसिबल सी होगी, लेकिन फिर भी लव स्टोरी तो है, तो क्या क्या रहने वाली है लव स्टोरी? वैसे अगर आप देखने जाए तो बहुत ही आम और बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी, लेकिन इस चीज़ को जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो है हमारा सुपरनैचुरल जॉनर, वो जो इसके किरदार हैं, जो जितना बैगेज साथ में है उनके, जितने सुपर पावर्स हैं उनके, जितने सुपरनैचुरल क्वालिटीज़ हैं उनकी, उन सारी क्वालिटीज़ को मिलाने के बाद अगर आप इस लव स्टोरी में उन कैरेक्टर्स को डालते हैं, दैट्स व्हेन इट बिकम्स एन इम्पॉसिबल लव स्टोरी। तो बहुत ही इंट्रीगिंग है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, बहुत ही आपको बांध के रखने वाली स्टोरी है, क्योंकि ऐसा रहेगा कि अगर आपने 3 एपिसोड्स देख लिए तो आप 4th एपिसोड का अगले हफ्ते तक वेट नहीं कर सकते। ये उतना आपको एकदम हमारे प्यार में क्लॉस्ट्रोफोबिक बना देगा। तो वैसा सा हमेशा आपको हमने नॉर्मल अवतार में देखा हुआ है, लेकिन आपका ये अभी इस बार जो हम देखेंगे, जैसे रतन को, करण को, आपको वॉल्व, वेयरवॉल्व हो गया, वैम्पायर हो गया, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? मतलब क्या प्रैक्टिस की उसके लिए आप लोगों ने? मतलब लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? नहीं, हम आपको बताते हैं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके जितने भी फैंस हैं, जो जितने भी गांव वाले जितने भी गांव के शोज देखने वाले ना, जैसे ही इसकी इसका ये अवतार देखा, हाय ये कहां से आई, ये साड़ी वाली हुई, ए बबुआ इधर आ, इधर आ, ये देख साड़ी में आती थी, देख कैसे साड़ी, अरे साड़ी का पेटीकोट भी घर छोड़ आई, देख हमको ऐसा नहीं बनना, तेरी लुगाई लेकर आएंगे, तेरी लुगाई ऐसी नहीं लाएंगे, तेरी लुगाई पूरी साड़ी वाली लाएंगे, आधी साड़ी आधी चड्डी में लाएंगे अगले जन्म हमें। आप अगर इनके अंदर बोल और व्यापार देखोगे तो कैसे हमारे, मैं इसके अंदर, मैंने देखा इसके अंदर इसने अपनी टांग मेरे, इसको क्या बोलते हैं, गुर्दे, फेफड़े, मेरे फेफड़ों में दी इसने टांग, गुस्से में, गुस्से में, हाँ मेरे गुस्से में नहीं, मतलब हाँ मतलब कैरेक्टर में आके, करण के फैंस, करण के ऑडियंस, जितने भी पंजाबी फिल्म्स के जितने भी लोग हैं, ओ भाई, ओ साडा करण, ओ ये मेरी पिक्चर में आता है, ओए चमगादड़ क्यों बने फिरता है आजकल, ओ तेरे को घर पे खाना नहीं मिलता तो लोगों का खून चूस रहा है, बैठ दे टक्के, ओ लस्सी भी लस्सी, ऐसे आ तेरे को पराठे खिलाऊं, लस्सी बनाऊं, तो क्या खून चूस रहा है लोगों का, चला पारा, वाओ। और ऋत्विक का जो रिश्ता है काफी पवित्र रहा है और अब ये खून का रिश्ता हो गया है, तो उनके ऑडियंस क्या रिएक्शन होगा? I think नहीं, ऋत्विक ने एक ऑलरेडी इस जॉनर का शो किया हुआ, तो वो ऑलरेडी एक लेगेसी को लेके आ रहा है हमारे शो के अंदर, एंड इट्स अ वेरी एडेड बेनिफिट फॉर अस, एंड आई थिंक हमारे समय से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इस लाइन में तो यही है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी मैं एक भेड़िया बन चुका हूँ, कई लोगों को काट चुका हूँ, खा चुका हूँ, इस बार किसको खाना? पहली बार चिट्ठी में मारा ये घर से, आप क्या बात कर रहे हो? अबे चुप कर, पूरी ऑडियंस जानती है कि मैं ऐसे ही हूँ। किसने कहा? बहुत हॉट है। नहीं लेकिन सच्ची का यार, रतन जो है इतनी टोटा लग रही है हमारे शो में, इतनी टोटा लग रही है हमारे शो में रतन की, माँ कसम आपकी नजर किसी और पे जाएगी नहीं। हमारा कैमरा खुद ब खुद अपने आप नीचे पैन हो जाता है, ऊपर से नीचे रतन के पास, हमारा क्लोज लगा रहता है,
कैमरा हमारे मुंह पे होता है लेकिन कैमरा खुद ब खुद रतन को पकड़ लेता है, कहाँ है वो? पूरे शो में हम इतने दिख रहे हैं क्योंकि कैमरा रतन पे रहता है। आपकी इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी हम चाहते हैं, हम चाहेंगे कि ऑडियंस को भी उतनी ही पसंद आए, और जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमारा शो 21 जुलाई से एवरी डे मंडे टू फ्राइडे एमटीवी पे आने वाला है, 6 इन द इवनिंग, एंड प्लीज वॉच, क्योंकि हम लोगों की बहुत ही दिल से कोशिश है कि हम कुछ जोक्स अपार्ट कि हम कुछ नया करें, हम कुछ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग कुछ नया प्लेटर पर लेकर आए, ताकि आप हमेशा हमें ये ना सुनने को मिले किसी से कि यार ऐसे शोज तो सिर्फ वेस्ट में या इंडिया के बाहर बनते हैं या पाकिस्तान में बनते हैं, ये ऐसे शोज मतलब इससे मतलब ये शोज और इससे कई ज़्यादा अच्छे शोज हम इंडिया में भी बना सकते हैं। सो आई थिंक ये वो एक स्टेप है ताकि हमारे जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसको एक नया नजरिया मिले लोगों का। सो वी होप दैट इट वर्क्स, क्रॉसिंग फिंगर्स। हाँ बस चैलेंज है और चेंज है, नहीं एक्चुअली इस शो में बहुत सारा चैलेंज है हम सब के लिए और बहुत सारा चेंज है, आई होप आप एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश है, बेसिकली सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं नया कुछ करने का। चलिए, नाइस टॉकिंग टू विद वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स। थैंक यू कैमरामैन परेश के साथ नूपुर माउची फॉर टेली मसाला।